बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। सोशल मीडिया पर फिलहाल दो तस्वीरों की काफी चर्चा है। दोनों तस्वीरें एक ही शख्स की है, लेकिन एक तस्वीर रोते हुए बुजुर्ग की है तो दूसरी तस्वीर में वो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई मटर पनीर की, बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबों में भी आपको ऐसा मटर पनीर नहीं मिलेगा। कुछ ही घंटों में बुजुर्ग दंपति के चेहरे पर मुस्कान बिखरने का ये कमाल किया है सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया ने ऐसी ताकत दिखाई कि एक तरह का अभियान सा चल गया और क्या आम क्या खास, हर कोई बुजुर्ग दंपति की मदद करते नजर आया। दरअसल दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक बुजुर्ग दंपति छोटी सी दुकान पर खाना बनाकर बेचते हैं। हाल ही में वायरल हुए वीडियो में बुजुर्ग बताते हैं कि वो पिछले 30 साल से ये ढाबा चला रहे हैं। वायरल वीडियो में बुजुर्ग दंपति अपना दर्द बयां करते हुए दिखाई दिए। 80 साल के इस बुजुर्ग ने बताया कि वो और उनकी पत्नी सुबह 6:30 बजे उठकर दिन के खाने की तैयारी करते हैं और 9:30 बजे तक खाना तैयार हो जाता है। पूछे जाने पर कि वो कमाते कितना है, बुजुर्ग रोते हुए बताते हैं कि 4 घंटे में वो 50 रुपए ही कमा पाए हैं। उनका कहना था कि कमाई तो पहले ही बहुत नहीं थी, लेकिन कोरोना काल में हाल बहुत बुरा हो गया है। बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। वसुंधरा तंखवा शर्मा ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, इस वीडियो से मुझे भारी पीड़ा हुई है। दिल्ली वालों, अगर आपको मौका मिले तो बाबा का ढाबा पर जाओ और खाना खाओ। देखते ही देखते ये वीडियो ट्विटर पर वायरल हो गया और टॉप ट्रेंड्स में शामिल हो गया। क्या आम क्या खास, कई लोग बुजुर्ग दंपति की मदद करने के लिए सोशल मीडिया पर आ गए। ढाबा की बुजुर्ग महिला ने एक समाचार एजेंसी से कहा, कोई कमाई नहीं हो रही थी, कोई ग्राहक नहीं, बचा हुआ खाना घर ले जाते उसे ही खाते थे, बच्चे अपनी कमाई कुछ देते नहीं है, बेटी मेरे पास रहती है वो भी कुछ नहीं करती। वीडियो वायरल होने के बाद बुजुर्ग महिला ने कहा, आज सुबह से बहुत भीड़ है, लोग चाय पीकर गए, खाना लेकर गए हैं, गैस खत्म हो गई थी, अब घर से सिलेंडर मंगवाया, हमें बहुत खुशी है कि आज इतने लोग ढाबे पर जुटे। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। हम बहुत महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे साथ पूरा हिंदुस्तान है, सब लोग बड़े हैं, हर कोई हमारी मदद कर रहे हैं।